हेलो फ्रेंड्स, मैं शताब हुसैन आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, शेर और शेरनियों, आज के इस वीडियोस में मैं आप सबको प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में हम प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता से रिलेटेड 17 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूँगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग भी 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और आप अपने प्रायिकता से रिलेटेड, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूट ना पाए। तो बिना टाइम लिए हम आप सबको उस क्वेश्चनों से रूबरू करा देते हैं और देखेंगे हम किस में है कितना दम। 17 प्रायिकता के क्वेश्चन में आप कितने सही कर पाते हैं और कितनी आपकी तैयारी है, इस वीडियो के माध्यम से आपको आकलन करने का मौका मिलेगा। पहला क्वेश्चन, एक सिक्के की उछाल में कुल संभव परिणामों की संख्या है 2, 3, 1। तो देखिए, एक सिक्का को उछालने पर 2n होता है सूत्र, तो 2^1 होगा तो 2 हो जाएगा। तो पहले का ए जो है एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, जिनका भी कमेंट में है वो लोग सही जवाब है। दूसरा प्रयोग क्वेश्चन है आपका, ऐसा प्रयोग जिसके परिणामों के विषय में कोई प्रागुक्ति यानी प्रेडिक्शन नहीं की जा सके, क्या कहलाता है। पहला है यादृच्छिक प्रयोग, अभी प्रयोग, अनुभाविक प्रयोग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिसके प्रयुक्ति के मतलब मालूम नहीं हो कि कौन आएगा नहीं आएगा, जैसे एक थैला में ये तो मालूम है कि संतरा है, नींबू है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि कौन निकलेगा जब बिना देखे, तो ऐसे ही को परागुप्ति कहते हैं और इसके लिए हम यादृच्छ चर भी कहते हैं। 2 का ये बिल्कुल राइट आंसर है, जिनका सही है। प्रायिकता सिद्धांत में पासे का फेंकना निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है, यादृच्छिक प्रयोग का, अनुभाविक प्रयोग का, घटना, इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताया कि पासा में 6 संख्या होता है, तो हमें तो मालूम है लेकिन क्या आएगा हमें ये नहीं मालूम है, तो इसके लिए हम इसको यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। और 3 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, जिनका भी कमेंट में 3 का ए है ना एकदम सही है। 4 क्वेश्चन देखिए आपका, प्रायिकता सिद्धांत में एक सिक्के के उछाल में शीर्ष का आना निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है, प्रयोग का, प्रयास का, घटना का, इनमें से कोई ना। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर आ जाता है तो उसे हम घटना कहते हैं, उसे इवेंट कहते हैं। तो 4 का आपका सी राइट आंसर है, जिनका भी कमेंट में सी है एकदम सही है। आपको 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रायिकता सिद्धांत में पासे की प्रत्येक फेंक निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, एक प्रयास का, एक प्रयोग का, ठीक है ना, आगे कहता है एक घटना का, इनमें से कोई नहीं। तो हम तो एक प्रयास में कर रहे हैं, कोई चीज़ को फेंक रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये चीज़ आ जाए। जब भी फेंकते हैं हम अपने चाह के कि 6 लाना है, 2 लाना है, 4, ये प्रयास होता है। तो 5 का ए राइट आंसर है, जिनका भी कमेंट में ये सही है, ठीक है। यदि एक पासे के फेंक में 4 से बड़ी संख्या के आना एक घटना हो, तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो 2 से बड़ी, 4 से बड़ी आपकी 2 ही संख्या है, 5/6 है ना, कै गो है, 2 गो, तो 2 हो जाएगा हमारा। 6 का एकदम बिल्कुल राइट आंसर, एक पासे में 4 से बड़ी संख्या घटना हो तो उस घटना के अनुकूल परिणाम तो या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। तो आपका 6 का ए राइट आंसर है। आगे देखिए, 7 है कि एक पासे के फेंक में कुल संभव परिणामों की संख्या है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो देखिए, पासा को फेंकने के लिए सूत्र 6^n है और एक बार फेंका जाता है 6^1 और आपका 6 हो जाएगा। तो 7 का बी सी जो है एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, 8 देखिए, एक सिक्के के उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2, 1/4, 1 और डी है इनमें से। शीर्ष का मतलब हेड है, यहाँ पे एक सिक्का को फेंको तो हेड एक होता है, टेल एक होता है, टोटल घटना 2 होती है, उसमें हेड आने की तो 1/2, जो कि आपके 8 के ए में राइट आंसर है, ठीक है। और जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अब आइए हम आपको 9 नंबर क्वेश्चन से मिलाते हैं, एक पासे की फेंक में संख्या 2 या 3 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या है, ए 1/2, 1/3, 1/6 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे शेरो, 9 का आपका राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि देखिए 2 या 3 से ऊपर, तो 2 या 3 से ऊपर आपके 4, 5, 6, ठीक है ना, ये 3 संख्या है। फेंक में संख्या 2 या 3 के ऊपर के आने, तो 2 के जब फेंकेंगे,
दो से ऊपर हमारी कई संख्या चार गो है, तो इसका हो जाएगा चार बटा छ, और तीन से ऊपर तीन गो है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें थोड़ा सा दो या तीन के ऊपर आने की प्रायिकता, तो दो या तीन के ऊपर एक बटा तीन वो संख्या ही है, चार पाँच छः, तो तीन बटा छः होगा और एक बटा दो होना चाहिए, नौ का ये राइट आंसर होगा मेरे प्यारे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए दस है कि एक थैले में बीस लाल गोलियां, दो गोलियां यादृच्छा निकाली, तो उन्हें लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, एक बटा दस, एक जीरो, इनमें से कोई नहीं, तो बीस लाल है तो बीसों में से कोई बीस, तो बीस बटा बीस कट के एक होगा, जो कि दस का बी राइट आंसर है। ओके, ग्यारह है एक पासे की फेंक में संख्या आठ के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपने पढ़ा एक बटा छः दिया है, एक दिया है, जीरो, इनमें से कोई नहीं, तो पासा में आपने देखा है कि छः तक की संख्या होती है, जी आठ नहीं होते, तो जीरो बटा छः, तो इसका जीरो हो जाएगा, जो कि आपके सी ऑप्शन में। ओके, बारह है कि वह घटना जिसकी प्रायिकता शून्य हो कैसी घटना है, निश्चित घटना, असंभव घटना, पूरक घटना, इनमें से कोई नहीं, तो जिसको शून्य हो उसे असंभव घटना कहते हैं, बी इज राइट आंसर, ठीक है। बारह का बी एकदम राइट आंसर है मेरे प्यारों, जिनका भी कमेंट में बी है सही है। चलिए तेरह देखिए, वह घटना जिसकी प्रायिकता एक हो कैसी घटना कहलाती है, निश्चित घटना, असंभव घटना, पूरक घटना, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे शेर, इसको मैं आपको बताता हूँ, मिलाएंगे अपना आंसर। वह घटना जिसकी प्रायिकता एक होती है उसे हम निश्चित घटना कहते हैं, और जो लोग भी मेरे शेर और शेरनी तेरह का वन बता रहे हैं ना, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चौदह नंबर क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता का मान कितना हो सकता है, जीरो से अधिक और एक से कम, जीरो से लेकर एक तक, कुछ भी, ध्यान में से कोई नहीं। तो देखो मेरे शेरों, प्रायिकता का मान जीरो, ये घटना मैंने बताया था है ना थ्योरी में, जीरो तक, एक तक, जीरो से एक तक, इसलिए चौदह का भी बिल्कुल राइट आंसर। जिनका भी चौदह का बी है उन लोग सही है, बाकी लोग गलत है, जिनका गलत है ना ऑप्शन दूसरे आए। पंद्रह है कि किसी प्रयोग के विभिन्न प्रयासों में घटने वाली सभी घटनाओं की प्रायिकता का जोग कितना होता है, सभी प्रायिकताओं का जोग, बहुत इजी क्वेश्चन, सारे घटना जितना भी घटता है घट जाने दीजिए और सबको जोड़िएगा तो आपको एक की ही प्राप्ति होगी, कुछ बेसी मिलने वाला है नहीं। पंद्रह का भी बिल्कुल राइट आंसर है। सोलह देख लीजिए कि सोलह नंबर क्वेश्चन, किसी खेल में यदि किसी की जीत की प्रायिकता 0.3 है तो उसे हार की प्रायिकता, तो अभी मैंने पीछे बताया कि किसी प्रयोग के सभी घटना जीतने हारने जो भी घटना घटा उसकी एक होती है, तो जीत की प्रायिकता है तो एक में से घटा दीजिए ना 0.3 को, तो आपको हारने की मिल जाएगी, तो जैसे ही घटाएंगे ना आपको 0.7 मिलेगा, मतलब कि हारने की प्रायिकता 0.7 है, इसलिए 16 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि एक पासे को 500 बार फेंकने पर संख्या 3 जो है 100 बार प्राप्त होती है, संख्या 3 100 बार, तो 3 के प्राप्त होने की घटना की प्रायिकता क्या है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 जो है आपके 100 बार आया है और टोटल जो है 500 है, तो कुछ करना नहीं है, प्रायिकता अब 3 पूछ रहा है, तो 3 कौ बार आया है 100 बार आया है और टोटल कितना है 500, तो नीचे लिख दो 500, एक जीरो, एक सुन्ना, एक सुन्ना मर गया, तो बच गया 1/5, जो कि आपके 17 के बी ऑप्शंस में है, तो 17 का हो गया बी। तो देखिए मेरे प्यारों, ये प्रायिकता के ना बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी के 17 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो परीक्षा में बार बार पूछे हैं और आपके एग्जाम में फिर पूछेंगे, ठीक है ना। आप सबने इसको बना लिया तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को फिर से देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, क्वेश्चंस को उतार ले, एकदम समझ में आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे प्यारे रसगुल्लो शेर और शेरनियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी लोग हमारे चैनल मस्त क्लासेस पे आज पहली बार आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का ना नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और जो लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट, एक अनुरोध और एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं इसी तरह के मज़ेदार, धमाकेदार, शानदार
और मोटिवेशनल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय।